सर्दियों का मौसम हो और वीकेंड हो, घर में ऑयली कचौड़ियाँ पूरियाँ पकौड़ियाँ ना बने ऐसा कमी होता है। तो आज की रेसिपी है मूंग दाल की कचौड़ी की, लेकिन बिल्कुल ही अलग, डिफरेंट। हम इसे स्टफ़ नहीं करेंगे, भरेंगे नहीं, बिना भरे ये मूंग दाल की रेसिपी बनके होगी तैयार। रास्ते के लिए, टिफ़िन के लिए, सुबह के नाश्ते के लिए या शाम के नाश्ते में, किसी भी टाइम आप इसे बनाएं, बिना सब्जी अचार और किसी चटनी के ऐसे ही आप इस कचौड़ियों को खाएंगे, इतना टेस्टी ये बनके होता है तैयार। तो चलिए फिर बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने लिया हुआ है मूंग की दाल, बिना छिलके वाली जो मूंग की दाल आती है, सबके घरों में ये दाल होती ही है, स्पेशली खिचड़ी बनाते हैं इस दाल से। तो इसी दाल को लिया हुआ है, एक कटोरी दाल ली हुई है। आप दाल की मात्रा घटा या बढ़ा भी सकते हैं, अगर आप चाहें तो और ज़्यादा दाल की क्वांटिटी रख सकते हैं। इसे दो तीन बार साफ पानी से धो के सिर्फ एक घंटे के लिए हम इसे भिंगो के छोड़ देंगे पानी में। कोशिश करें कि बहुत ज़्यादा पानी में इसे हम ना भिंगोएं, और इसके जो एक्स्ट्रा पानी है उसे हमने निकाल लिया ग्लास में, बाद में हम इसी पानी को यूज करेंगे क्योंकि काफ़ी पौष्टिक है इसका पानी। और इसे अब हम कर लेंगे एक जार में ट्रांसफ़र। इसमें अब हम डालेंगे, थोड़ा इसका टेस्ट बढ़ाएंगे, और इसमें हम डालेंगे हरी मिर्च। जितना आपको तीखा रखना है आप मिर्च की मात्रा और उतनी बढ़ा सकते हैं। आप चाहें तो इसमें सूखा लाल मिर्च भी डाल सकते हैं, अदरक का टुकड़ा, और इसे डाल के बिल्कुल स्मूथ सा पेस्ट हम बना लेंगे। अगर बीच बीच में ज़रूरत हो कि दाल बिल्कुल नहीं पीस पा रही है, तो जो पानी हमने निकाल के रखा हुआ है उसे आप जरा जरा सा करके पानी इसमें डाल सकते हैं, और इसका एक आप गाढ़ा सा पेस्ट बनाएंगे। तो मैं आपको अभी आगे बताती हूँ, कचौड़ियाँ बनाने में काफ़ी आसानी रहेगी। तो कोशिश करें कि दाल हमारी बहुत पतली ना हो। अब हम लेंगे आटा। आप चाहें तो आटा लें, या चाहें तो आप मैदे का भी बना सकते हैं, या आटा और मैदा दोनों आप बराबर बराबर रख सकते हैं, मात्रा घटा या बढ़ा भी सकते हैं। इसमें एक बड़ी चम्मच हमने डाली हुई है सूजी रवा की। अब इसमें हम डालेंगे नमक अपने स्वाद के अनुसार, और इसमें हम डालेंगे चिली फ्लेक, अगर है तो डालिए, नहीं है तो फिर कोई बात नहीं। इसमें अब हम डालेंगे मोयम के लिए घी या तेल, और जितनी आपको खस्ता बनानी है उतनी आप इसमें मोयम की मात्रा और भी ज़्यादा डाल सकते हैं। अगर मैदे की बनाएंगे और मोयम डाल के, तो बिल्कुल कचौड़ियों की तरह ये बनके होंगी तैयार। इन्हें अच्छे से मिक्स करने के बाद अब जिस दाल को हमने मिक्सी करके रखा हुआ है वो सारा हम इसमें डाल देंगे। एक आपको आइडिया हो जाएगा आटे में कितना दाल हमें डालना है, उतनी दाल आप डालते जाएंगे। अगर आप दाल को बहुत पतला पेस्ट बना लेंगे तो आप दाल की मात्रा इसमें ज़्यादा नहीं डाल पाएंगे, इसीलिए मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि बिल्कुल जरा जरा सा पानी डाल के इसका स्मूथ सा पेस्ट बनाइए, तो इसमें हम दाल की ज़्यादा मात्रा डाल पाएंगे। जितनी दाल की मात्रा इसमें डालेंगे उतना ही अच्छा इसमें मूंग दाल की कचौड़ियों का स्वाद आएगा, दाल का आएगा टेस्ट। अब इनको डाल के हम अच्छे से मिला लेंगे, और अगर बीच बीच में ज़रूरत हो तो उसी जार में थोड़ा सा पानी मैंने डाल दिया हुआ है, इसी दाल का बचा हुआ पानी, और जरा जरा सा डाल के इसका हमें मीडियम डो बना के करना है तैयार। ना तो बहुत ही ज़्यादा हमें इसे हार्ड रखनी है, ना बिल्कुल सॉफ्ट रखनी है, पूरियों से ज़्यादा। जैसा हम पूरियां तो बिल्कुल सॉफ्ट बनाते हैं, कचौड़ियों की जैसी हमारी रहती है, थोड़ी सी हार्ड। ये ऐसी हम करेंगे, और थोड़ी देर के लिए, सिर्फ 10 मिनट के लिए सेट होने के लिए इसे छोड़ दिया हुआ है। अब हम इसके बना लेंगे लोई। जितनी बड़ी या छोटी आपको लोई बनानी है आप रखें। आप अगर चाहें तो इसमें हरा धनिया भी, अभी तो सीजन है हरा धनिया का, तो ज़रा सा हरा धनिया भी आप इसमें डाल सकते हैं, बिल्कुल महीन महीन काट के, उससे इसका टेस्ट और भी ज़्यादा बढ़ जाएगा। अब हम बना लेंगे इसकी लोइयों को, और इसे हम बेल लेंगे अपने मन चाहे आकार में। पहले मैं सारी लोइयों को एक साथ बना ले रही हूँ। अब इसके ऊपर ज़रा सा सूखा आटा लगा करके, क्योंकि हमने बहुत ही ज़्यादा इसका हार्ड नहीं किया था, तो थोड़ी सी ज़रूरत पड़ेगी सूखे आटे की, इसे डाल करके हम, और का मोटा ही रखेंगे, इसे बहुत ज़्यादा पतली नहीं करेंगे, हल्की हल्की सी मोटी, जैसे हम अपनी पूरियों की बनाते हैं उससे हल्की सी मोटी हम इसे रखेंगे। सारे लोई को ऐसे ही हम पहले बेल के कर लेते हैं तैयार। आप इसे जब बनाएंगे, किसी भी आपको सब्जी वगैरह की ज़रूरत इसके साथ नहीं पड़ने वाली, इतनी टेस्टी ये बनके होती हैं तैयार। जब तेल गर्म हो जाए हम इसे तलेंगे,
और ध्यान रखेंगे कि इसे हमें हाई फ्लेम पे नहीं तलना है। अगर आप हाई फ्लेम पे तलेंगे ये कहीं से कच्ची तो नहीं रहेंगी, लेकिन इनमें कुरकुरापन नहीं आएगा। अगर आपको सॉफ्ट खानी है, पूरियों की तरह सॉफ्ट खानी है, तो आप इसे फ्लेम हाई करके तलें। और अगर आपको इसे क्रिस्पी बनानी है, कुरकुरी बनानी है, फिर आप इसे मीडियम फ्लेम से थोड़ी सी कम फ्लेम को करके इसे धीरे धीरे आसानी से तलें। तलने में इसे टाइम दें, जितना आप इसे थोड़ा सा टाइम देंगे उतनी ये और भी ज़्यादा क्रिस्पी कुरकुरी बनके होंगी तैयार। तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आपको ये कैसी खानी है, कुरकुरी खानी है या फिर सॉफ्ट खानी है। आप इसे बना के रख लें। बनी हुई पूरियाँ कचौड़ियाँ भी ये 2 दिन तक ख़राब नहीं होती। आप इसे रास्ते में लेके जाएं, बच्चों को टिफ़िन में दें, लंच में बनाएं इसे, ब्रेकफास्ट में बनाएं, सुबह के नाश्ते में, शाम के नाश्ते में, इसके साथ हमें यहाँ तक कि किसी चटनी अचार की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इतनी टेस्टी ये कचौड़ियाँ बनके होती हैं तैयार। तो ऐसे हमारी बनके हो गई तैयार। तो ऐसे ही हम अपने सारे कचौड़ियों को अच्छे से सेक लेंगे सुनहरा होने तक। अभी गर्म है, मैं आपको दिखा रही हूँ, बिल्कुल खस्ता ये बनके हुई हैं तैयार, जबकि मैंने आटे की बनाई हुई है। आप इसमें जब आटे में मैदा मिक्स करके बनाएंगे ये और भी ज़्यादा खस्ता बनके होगी तैयार। अभी मैं इसे तोड़ रही हूँ, 2 लेयर में ये बनके होंगी तैयार। अलग अलग से देखिए, बिल्कुल बराबर जो है ऊपर से पतली, बिल्कुल ऊपर का इसका लेयर जो है वो पतला, इतना अच्छा आपका बनके निकलेगा। बहुत ही टेस्टी बनके ये होती हैं तैयार। तो आप इसे ज़रूर बनाएं, ट्राई करें। वीडियोज अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना ना भूलें। चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, जिससे आने वाले नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। आपका और मेरा साथ ऐसे ही बना रहे। फिर मिलते हैं अगली बार एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए आप खाते रहें, खिलाते रहें, मुस्कुराते रहें। टिल देन, बाय बाय एंड थैंक यू।